राहुल गांधी जी से अनुरोध है सिखों को भड़काने की बिल्कुल भी कोशिश ना करी जाए। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मर गया। राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं बेबुनियाद हैं, बेसिर पैर के हैं। कोई किसी सिख धर्म के किसी आदमी को कहीं किसी चीज के लिए नहीं रोका जा रहा, बेरोक टोक हम घूम रहे हैं। सिखों को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जोर दिखाने की, दोबारा दंगे भड़काने की है, उनके खिलाफ बोलने की कुछ साजिश कर रहे हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। सिख कौम को इतना हल्के में मत लें, राहुल गांधी हो या कोई और हो, सिखों ने तो हर धर्म की रक्षा करी है। कि सिख कौम आज की डेट में बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है। अगर सिखों के साथ में कोई गलत काम करना चाहेगा तो उसका भी टाकरा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जितने जख्म कांग्रेस पार्टी ने सिखों को दिए उतने किसी पार्टी ने, जहाँ तक रवनीत बिट्टू की बात कर रहे हैं उसने बिल्कुल 100% सही बात की है। हाँ। कि जो है राहुल गांधी से अगर राजनीति नहीं होती तो राजनीति छोड़ दे। क्या नाम आपका? बलप्रीत सिंह, महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये पुतला फूंका गया? ये पुतला फूंका गया है। राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं बेबुनियाद हैं, बेसिर पैर के हैं। कोई किसी सिख धर्म के किसी आदमी को कहीं किसी चीज के लिए नहीं रोका जा रहा, बेरोक टोक हम घूम रहे हैं। मैं खुद महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे से हूँ यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के। कोई यहाँ पर इस तरीके से नहीं कहेगा कि हमें रोका जा रहा है, किसी चीज के लिए किया जा रहा है। बेबुनियाद बेसिर पैर की बातें राहुल गांधी की तरफ से बोली जा रही है, बार बार बोली जा रही है। सिखों को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जोर दिखाने की, दोबारा दंगे भड़काने की है, उनके खिलाफ बोलने की कुछ साजिश कर रहे हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे विपक्ष को हम देख रहे हैं वो लगातार एक मुद्दा उठाते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, ऐसा अल्पसंख्यकों को भी, वो सिखों को भी कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। सिख कौम को इतना हल्के में मत लें, राहुल गांधी हो या कोई और हो, सिखों ने तो हर धर्म की रक्षा करी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, सारे धर्मों का सिख कौम ने साथ दिया है और सिख इस चीज़ से डरते भी नहीं हैं। वो तो कड़ा उतरवाने की बात कर रहे हैं, जो भी अगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरदारों के साथ में कोई पंगा ले सके। और ये जो कुछ भी बोला है राहुल गांधी ने बिल्कुल गलत बोला है, और सिख अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ हैं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पर कोई कड़ा उतरवाने की बात है या पगड़ी उतरवाने की बात है, ये राहुल गांधी ने एक अपने आप को मीडिया में, हाँ, मीडिया में अपने आप को करने की कोशिश करी है कि लोग मेरी बात के ऊपर सोचेंगे और समझेंगे और सिखों में थोड़ा सा इस बात का एहसास होगा कि वाकई उनके साथ में आगे होने वाला ये है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी कौम नहीं है कि जो सिखों को डरा सके और सिखों को धमका सके। और चाहे कांग्रेस ने अगर सिखों के साथ में जो कुछ किया था उसका हरजाना उन्होंने खुद भुगत लिया था। मैं इसी बात को समाप्त करता हूँ कि सिख कौम आज की डेट में बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है। अगर सिखों के साथ में कोई गलत काम करना चाहेगा तो उसका भी टाकरा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। रवनीत बिट्टू ने कहा है कि ये आतंकवादी है क्योंकि आतंकवादी की भाषा राहुल गांधी बोलता है, इससे आप क्या कहते हैं? देखो, आतंकवादी तो सिखों को हर कोई कहकर तोड़ जाता है। राहुल गांधी को कहा है, राहुल गांधी के लिए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वो बयान है जो तोड़ने वाला है। सिख विरोधी बयान, सिख विरोधी बयान, सिख विरोधी बयान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रवनीत बिट्टू ने जो कुछ कहा है ना जी, मैं उसके बारे में यही कहूंगा कि कल रवनीत बिट्टू कांग्रेस का था, आज बीजेपी में आ गया है। ये नेता लोगों की भाषा है, ये नेता लोगों की भाषा है। ठीक 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 जी। क्या, जहाँ तक रवनीत बिट्टू की बात कर रहे हैं उसने बिल्कुल 100% सही बात की है। हाँ। कि जो है राहुल गांधी से अगर राजनीति नहीं होती तो राजनीति छोड़ दे। इसके बाप दादाओं ने जो है हिंदुस्तान के लिए इतनी राजनीति की, और जो है 1984 में देख लो इन्होंने क्या किया,
किया, आज ये सिखों का जो है खैरफा बन रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कड़े उतरवा रहे हैं, पगड़े उतरवा रहे हैं। इससे अगर राजनीति नहीं होती अपना घर बैठे, लेकिन ऐसा तो ना करे, इस कौम को बदनाम करे और उसके ऊपर अपनी राजनीति करवाया सीखे। इस पर बहुत पैसा है, इसकी माँ के पास में पैसा है, इसके बहन के पास में पैसा है, अपना घर बैठे कुछ और बिजनेस कर ले। जरूरी है राजनीति करनी और सिखों को भड़काना जरूरी करना। सिख वो कौम है जिसने हिंदुस्तान की रक्षा की है, आज तक हिंदुओं को बचाया और भी कौमों को बचाया। जब आपका कोरोना आता है तब रोटियां लेके सिख पहुंच जाते हैं, दवाइयां लेके सिख पहुंच जाते हैं। ये इन्होंने पहले भी और सिख इन्होंने देश की रक्षा करी है और जब अपने ऊपर आएगी तो अपनी रक्षा भी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भाईचारा सबके साथ है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, कोई कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, हमारा भाईचारा हर एक के साथ है। सिर्फ मानवता के लिए है। आपने आपने जो पुतला फूंका है वो इसीलिए कि भाई वो सिखों का कमजोर दिखाने की कोशिश। सिखों को कमजोर कैसे दिखा देंगे, हमने 2% होते हुए भी 83% की कुर्बानियां दी है भारत के लिए, हमको कैसे कमजोर दिखा दो। आप तो जो है 87% थे, आपने कुछ नहीं करा। हम तो 98% थे, आपने कुछ नहीं करा। हमने 2% होकर 83% कर दिया, तो हमारे को हम कमजोर कैसे हो गए। हम कमजोर नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो गुरु गोविंद सिंह की फौज है और वही हमारा मालिक है, बस। मोदी जी ने जो सिख कम्युनिटी का सम्मान किया है बार बार, उनका जो रुख बीजेपी की तरफ आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं उससे बौखला के इस तरह की बातें कर रहा है। जहां तक मोदी जी की प्रश्न है, मोदी जी सिखों का बहुत एहतराम करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट है उनके मन में, और जो चीज नहीं हो सकती थी वो उन्होंने अपने इन 10 साल के कार्यकाल में सिखों के लिए वो सब कुछ फैसिलिटी और वो कुछ देने की कोशिश की, और आगे भी वो, मेरे को नहीं लगता कि जो विरोध होंगे आगे भी वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद राघव है, मैं वार्ड 85 से पार्षद हूँ। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी जो हैं वो कभी किसी चीज को सोचते नहीं और जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं किसी के बारे में। ये सबसे पहले तो जो है, इनको किसी भी बात को बोलने से पहले इनको समझना चाहिए कि भाई हम किसको क्या बोल रहे हैं। भाई इनको जब सही मायने में जब पता ही नहीं है, 1984 में जो है एक बार जो है उनको पता नहीं है, बताया नहीं किसी ने जो है कि भाई जो है जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, तो एक चीज बताया जाए कि भाई इस तरीके की जो है बातें जो है जब इन लोगों के यहाँ से जो बोली जाती हैं। और मैंने तो शुरू से देखा है कि जब इनको नेता प्रतिपक्ष जो बनाया गया है, ये जानबूझ करके जो है जो रहा सहा है ना, इसको भी मिट्टी में मिलाने के लिए जो है इनको बनाया गया है, ये कभी जो है सक्षम नहीं हो सकते। और इस तरीके की जो बातें जो बोलते हैं, ये एक मंद बुद्धि जो है, जो बच्चा होता है ना, इस तरीके की बातें होती हैं। आपको लग रहा है ये हिंदू सिख को बांटने की एक कोशिश है कांग्रेस की? देखिए, ये जो है पूरी कोशिश कर ले, जो भी कोशिश करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। इनको सबको पता है, अब सिख भाई जो हमारे हैं वो सभी लोग जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ वो लोग जो हैं ठीक हैं और कहाँ उनको रहना चाहिए। ये कितने ही बांटने की कोशिश करें, कुछ भी करें, ये कहीं कुछ नहीं कर सकते और ना इनके बस का है। क्यों? क्योंकि जो है एक जो पोपट होता है ना, जैसे तोता होता है, ऐसे आदमी को जो है आप जो है अगर जो है नेता प्रतिपक्ष बना करके जो बैठा रहे हैं, जिसे जो है पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या बात करनी चाहिए या किसको क्या बोलना चाहिए, तो ऐसे आदमी से तो निश्चित जो है मान लें कि भारतीय जनता पार्टी या सिख भाई हमारे जो सब एक हैं और वो एक ही रहेंगे, इसमें कोई बांटने का या उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारा राहुल गांधी जी से अनुरोध है, सिखों को भड़काने की बिल्कुल भी कोशिश ना करी जाए। सिख ऐसे नहीं है कि किसी के कहने से भड़क जाए, ये 2% की कौम है, इसको जितना आप दूर, जितना इनसे दूर रहोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। इनको भड़काओगे तो कौम भड़केगी, कौम को भड़काने की बिल्कुल भी कोशिश ना करी जाए। सिर्फ उनसे एक ही अनुरोध है, अपने अपनी जुबान को कंट्रोल करना अपने हाथ में होता है। वो पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी बोलते हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट दे, इसका सिखों पर कोई असर नहीं होने वाला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने जितना कार्य करा है सिख कौम के लिए, योगी जी ने जो काम करा है, जिस तरीके से वो नतमस्तक होते हैं गुरु तेग बहादुर जी के लिए, ऐसा किसी पार्टी के थ्रू नहीं किया गया है। जो काम मोदी जी ने किया, ऐसा काम किसी पार्टी के थ्रू नहीं किया जाए। सिख बीजेपी के साथ है, सिख मोदी जी योगी जी के साथ है, हम चाहते हैं आगे बढ़े, सिख कौम आपके साथ है। देखिए, राहुल गांधी को देश का जो युवा है वो सीरियस नहीं लेता है। राहुल गांधी एक मंदबुद्धि बालक है, लेकिन मंदबुद्धि बालक जब परेशान करता है तो उसको लगती है। सेम इसी प्रकार जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं और वो अल्प सल्प सरदारों के लिए, सिखों के लिए, कभी किसी के लिए जो बयान देते हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। और राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपनी राजनीति छोड़ करके किसी कंट्री में जाकर के अपना स्थान स्थापित करे, जीवन व्यापित करे, इससे ज़्यादा किसको जरूरत नहीं है। क्या नाम आपका? विपुल जैन जी, क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जो हैं, इनका पूरा परिवार इटली से आए हुए हैं,
बेसिकली सारी इनमें जो सोच है वो अंग्रेजों वाली है। जैसे आज़ादी से पहले 100 साल तक अंग्रेजों ने यही काम किया, फूट डालो शासन करो। इसी तरह ये भी करनी सोच रहे हैं, हिंदुओं के जितने वर्ग हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं, उन सबको आपस में बांटते रहो और राज करते रहो। इनमें क्या है, नेगेटिव आइडियोलॉजी भरी हुई है कि हम अपनी बात को रखनी है, दूसरों की नहीं सुननी, हर जगह जाकर अपना अपना अलग अलग प्रचार। सीए एनआरसी का विरोध किया था कि अल्पसंख्यकों को मान्यता ना मिले, उसमें कांग्रेस ने किया है ना, तो उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। आप क्या कहेंगे, क्या क्या नाम दिया आपका, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा जी, आज 2024 लगभग 24 साल हो गए, जितने जख्म कांग्रेस पार्टी ने सिखों को दिए उतने किसी पार्टी ने 40 साल हो गए 84 दरमियान। मैं आपसे 84 से लेके आज तक जो 84 का कार्यकाल हुआ था, आज भी हम लोगों के जख्म नहीं भरे। आप तिलक नगर में जाओगे तो आज भी एक विधवा कॉलोनी है जिसको देख के हमारे को आंसू आते हैं। हमारा कसूर क्या है, क्यों हमारे को चेक किया जाता है कि हम जिंदा हैं या मरे हैं? आप मुझे एक सिख ऐसा दिल्ली में दिखा दो जी, बोल दे कि यहाँ पे हमारे को गुरुद्वारे में जाने के लिए मना है या कड़ा पहनने के लिए मना है, मुझे तो नहीं दिखता। तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, राहुल गांधी से, जो इन्होंने ये देश से बाहर जाके ऐसा बयान दिया है, उस बयान को वह जल्दी से जल्दी वापस ले लें। हमारे से ना हमें चेक करें कि हम कितने अंदर से भरे हुए हैं, यही हम चाहते हैं कि पार्टी सोच समझ के ऐसी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए, यही हमारी आवाज़ है।